नॉक। अरे यार फ्री मार दिया तुमने। ये पेड़ के पेड़ के अंदर यार। नाइस नाइस। लो यहां पे एक मरा, कौन के पास मरा, एक बचा है। तो क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आप में से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे मेरे को कि यार T1 स्क्रिम्स डाला करो एंड कोर भाई तुम क्लासिक खेल के डालते रहते हो। तो यार मैं T1 स्क्रिम्स अभी इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि मेरी टीम अभी इनएक्टिव थी बहुत ज़्यादा एंड वो खेल नहीं रही थी और मैं यार अपनी टीम के अलावा ज़्यादा खेलता नहीं, समझ रहे हो, किसी के साथ। तो यार अभी रिसेंटली टीम एक्टिव हुई है तो मैंने लाइक स्क्रिम्स खेलना स्टार्ट किए। तो ये वीडियो यार इस बारे में होने वाली है कि यार आपको एक सेंटर लाइक एक स्काउट का रोल क्या रहता है, आपको कैसे आप सर्कल में एंड सर्कल्स में एंटर कर सकते हो, ठीक है। एंड जो अपने टीम के लाइक स्काउट जिनका रोल है आगे इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वो ये वीडियो देखें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए, लाइक काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको देखने में मज़ा आएगा। मैं इसमें सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको लाइक रोटेशन के वक्त करनी होती हैं। एक स्काउट को अपने IGL को जो जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो सब बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यार इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जिसने अभी तक नहीं करा है, जो नया है इस चैनल पे अभी पहली वीडियो देख रहा है। एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो तभी लाइक करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यार मोटिवेशन मिलती है। तो बस ज़्यादा बोल लिया, आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत रिपीट हो रहा है, चलता है इतना तो, मेरे को तो आदत है। तो यार पहले जो अपना कंपेटिटिव सीन फॉलो करते थे उनको पता होगा अपन नोवो उतरते हैं, अपना ड्रॉपिंग स्पॉट वही है। एंड यार गाइस सीरियसली ड्रॉपिंग स्पॉट मैटर नहीं करता, जो भी आपका ड्रॉपिंग स्पॉट है वहाँ पे आराम से लूटिए, ठीक है। सर्कल में जाने की जल्दी नहीं करनी है भाई, पहले सर्कल में सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकेंड तक आप एच पे रह सकते हो, सेकेंड सर्कल में कोई भी अराउंड द सेंटर आपको जगह मिल रही है स्काउट करके जाओ घर टू घर, ठीक है। रिच टू रिप स्काउट करो, अराउंड द सेंटर कोई भी जगह पकड़ लो। सेंटर पकड़ना गाइस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आप सेंटर पकड़ने के चक्कर में भाई किसी स्क्वाड से भिड़ जाते हो और पहले दूसरे सर्कल में आपके बंदे लूज हो जाते हैं, आप पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है। तो सेंटर पकड़ने का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप अराउंड द सेंटर पकड़िए, आपको अराउंड द सेंटर कोई भी जगह मिलती है वहाँ पर जाके रुक के आराम से स्काउट करके सर्कल टू सर्कल मूव करिए, ठीक है। मेन जो है स्काउट का रोल वो है इन्फो निकालना। IGL जो भी कॉल देगा इस कंपाउंड का या कोई भी स्क्वाड हाउस शैक कुछ भी इन्फो निकालना है कोई भी रिच, तो यार वो स्काउट को करना पड़ता है। स्काउट का मेन रोल यही है कि जो भी उसको दिख रहा है वो IGL को बताए, सारी इन्फॉर्मेशन दे और IGL उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा कि उसको आगे क्या मूव करना है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स ने मेरे को बोला कि लाइक ये वाला जो टावर है वो स्काउट कर, एंड वो स्काउट करके मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई इधर बंदे नहीं है तो तू जा सकता है, तो वो चले गया एंड अपन थोड़ा स्प्लिट हो गए क्योंकि आप फर्स्ट 3 या 4 सर्कल में गाइस स्प्लिट हो गए खेल सकते हैं जितना एरिया आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम अराउंड द सेंटर थे एंड जैसा कि मैंने बोला था गाइस अराउंड द सेंटर खेलना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी सर्कल आप पे आ जाते हैं तो सेंटर रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अराउंड द सेंटर प्रिजन पे थे तो अपने पे सर्कल आ गया, तो अपन ने क्या किया यहीं पे प्रिजन पे ऊपर चले गए क्योंकि सबको पता है भाई प्रिजन का लायन किंग जो ये माउंटेन है ये एडवांटेजेस स्पॉट है, थोड़ी हाई रिज है, ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। तो अपन इधर गए और अपन इधर मैं इधर लाइक अपनी टीम के साथ यहाँ पे अपन थोड़ा सा रुक के इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगे कि आगे वाले सर्कल जैसे कटेगा उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन रखेंगे एंड आगे मूव करेंगे। तो यार यहाँ पे पैराडॉक्स ने मेरे को मार्क करा कि एक बंदा लेटा है एंड पता नहीं इसको शॉट क्यों नहीं लगे बट पैराडॉक्स ने नॉक कर दिया। यार ये गेम के ग्लिचेस तो कभी खत्म होंगे नहीं, तो मैं पता ही है भाई ऐसा तो होता ही रहता है। आई 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 आ रही है, पुश आ रहा है अपने पे। गाइस हम ऊपर वाले पार्ट पे आए तो यार सॉरी यहाँ पे मेरे कॉलर्स तो मैं सुनाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि भाई मेरा माइक ऑन नहीं था, बट नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि माइक ऑन करके रिकॉर्ड करूँ ताकि तुम्हें मेरे कॉल्स भी सुनाई दे इन गेम क्या रहते हैं। तो यार यहाँ पे जो लेफ्ट में पैराडॉक्स ने नॉक करा था मेरे को पता था जोन के बाहर से आएगा बंदा, तो जैसे आया उसको मार दिया और मैं निकल गया भाई जोन को लेने के लिए। जोन थोड़ा कट गया था तो यहाँ पे मैं स्काउट करने चले गया आगे क्योंकि यार पहले इन्फो निकालूंगा उसके बाद ही अपने टीम प्लेयर्स को आगे बुलाऊंगा कि लाइक आगे ये स्पॉट पकड़ने के लिए। तो यार यहाँ पे आपने देखा सर्कल कितना छोटा हो गया, 46 बंदे एंड लाइक राइट लेफ्ट दोनों साइड से
शूटिंग की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे लाइक स्काउट का रोल ये भी रहता है कि यार अगर वो स्काउट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट एज पकड़ ले डायरेक्ट जोन का जाके, थोड़ा थोड़ा करके आगे अगर पोजीशन मिल रही है तो वो डायरेक्ट जोन पकड़ सकता है, अगर आगे बंदे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के लाइक अपने आईजीएल को बताना पड़ता है कि यार इधर भी बंदे हैं इधर भी बंदे हैं, तो यार ये पोजीशन मैंने पकड़ ली थी एंड मेरे को पता था राइट में पास में ही बंदे हैं एंड वो जो रिज है ऊपर की वो थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन है क्योंकि अगर वहाँ पे कोई एनिमीज आ गया तो लाइक अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यार वैक्सी को कॉल दिया कि वो साइड पकड़ ले एंड राइट वाले जितने बंदे हैं उसको वहाँ से खा ले, तो जैसे ही वैक्सी वहाँ पे पहुँचा तो मेरा काम सॉर्टेड हो गया, अब वो मेरे को वहाँ से कवर दे सकता था तो मैं लेफ्ट साइड का एंड सामने का पूरा कवर रख सकता था। गाइज एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है जब भी आप कोई कस्टम एंड स्क्रिम्स खेल रहे हो, ठीक है, अगर आप एच टू एच खेल रहे हो अगर सर्कल के अंदर घुस रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपके बैक में जो है ना वो क्लियर करके आओ, सर्कल के साथ थोड़ा सा घुसो, सर्कल के मैं एक दो मीटर ही पीछे था, ठीक है, सर्कल में मैंने अपनी गाड़ी लगा दी थी एंड मैं बैक क्लियर करने लग गया, मेरे को जहाँ पे लाइक स्मोक्स वगैरह दिख रहे थे बंदे मूव कर रहे थे तो उनको आप खा सकते हैं। इस गेम में मेरे को लाइक बैक मेरा पूरे टाइम क्लियर ही रहा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई कि एक बंदा आपका पूरा टाइम बैक देखते रहे, मेरा काम नहीं है बैक देखना, मैं स्काउट कर रहा हूँ, बट अभी इस पोजीशन पे मैं सर्कल के अंदर जा चुका हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए बैक देख रहा था। तो यार आपने देखा है इसमें सर्कल आगे थोड़ा जा चुका था एंड मैंने स्काउट करके रखा हुआ था टावर को, आगे एक टावर है तो मेरे को पता था कि कितना दूर जाएगा क्योंकि एक रेडियस होता है ना गाइस सर्कल का, तो वो जितना कटेगा टावर जोन के अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इनको कॉल दिया कि भाई खाली, क्योंकि उधर से कोई पीक नहीं ले रहा था तो मैंने कोशिश करी कि इनको भाई आगे भेजूंगा अपने कवर पे एंड लाइक इनको एडियस दूंगा तो ये टावर पकड़ लेंगे, टावर जोन में था। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके प्लेयर आपको उनको पुश करवा रहे हो किसी भी स्पॉट पे लाइक हार्ड कवर पे तो आप उनको कवर देते रहो, ठीक है, वरना जीजी हो जाता है। लकीली यहाँ पे कोई नहीं था एंड मैं कवर भी दे रहा था, अगर इनको कोई मारता तो मैं मार ही देता उन्हें। तो भाई ऐसे लाइक आप अपने प्लेयरों को आगे पुश करवा सकते हो एंड यार ज़रूरी नहीं होता है कि आपके एज पे ज़्यादातर आपको बंदे क्या बोलते हैं लाइक फ्री मिले, अगर बंदे हैं आगे तो भाई आपको उनको मारना पड़ेगा भाई, हर बार अकेले हर बार खाली जगह नहीं मिल सकती भाई, मारना ही पड़ता है भाई, थोड़ी मेहनत कर लिया करो लाइफ में। तो यार इस पॉइंट पे आके स्काउट का रोल ख़त्म हो जाता है क्योंकि जब थर्ड लास्ट सर्कल स्टार्ट होता है इतना छोटा सर्कल हो जाता है तो बेसिकली हर प्लेयर जो होता है वो सारे रोल कर ही रहा होता है क्योंकि इसमें कोई फ्रंट असॉल्टर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो स्काउट का भी बेसिकली सभी स्काउट करते हैं इस सर्कल के बाद, तो इसके बाद बस टीम गेम प्ले होता है, आप शॉर्ट कॉल्स कैसे दे रहे हो, किल्स उठा रहे हो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वही गेम प्ले रहता है। तो अभी इसके बाद मैं वॉइस ओवर पे बोलूँगा नहीं कुछ, आप अपनी फाइट देखो जो हमने लास्ट जोन में करी है एंड तक देखो, बहुत मज़ा आएगा कैसे शॉर्ट कॉल्स दे रखे हैं हर एक चीज़ के, वो आपको सुनाई देंगे, ठीक है, और अभी के लिए मैं चुप हो जाता हूँ भाई, और क्या बस 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 सारे मत जाना, पीछे से खेलो, गाड़ी आ रही है, लेफ्ट में नॉक किया है, मैं गाड़ी आगे लेके जा रहा हूँ, ले जा ले जा ले जा, मेरे भी ले ले, आ रहा हूँ मैं लेफ्ट में नाइस, नहीं है घर के ऊपर में दिख रहे हैं बंदे, एक लेफ्ट देखो दो राइट देखो, एक नॉक घर के इधर नॉक, लेफ्ट से भी आएंगे, लेफ्ट वाला लड़के, एक हो सकता है, हाँ एक होगा, सात बंदे ना,
वाइडल कर रहा होगा, लेट आएगा। जोन उन्नी पे है, पुश करना पड़ेगा तुम्हें। जाना वैसे अगली वाली डिप तक जा। एक नॉक दे रखा है। हाँ थोड़ा थोड़ा पुश करो ना, यही चार बंदे हैं। नॉक सर पे मेरा नहीं कर रहा, एक पत्थर पे। उतरो उतरो उतरो, गेट तोड़ो, गेट तोड़ो। ओके ओके ओके, गेट तोड़ो एक बार। वाला गेट तोड़। हाँ बस एक मिनट रुक जाओ, लेट वाले को मारता हूँ मैं। उसका सर दिख रहा है। गेम है तुम्हारा गाइस 3v4। तो उसने ले लिया आपके जोन ना करने वाला है। देखो लेफ्ट पे मारूंगा मैं उसने। से बोल टाइम पे क्या मारा उसने, स्मोक कर रही है। अबे एक बार जा राइट जा, जल्दी जा, गाड़ी लेके चले जा चल, थोड़ा सा आगे वेट हो जाएगा। घरवाले निकल ले, घरवाले निकल ले। नहीं गाड़ी लेके नहीं जा सकता। नॉक। अरे यार फ्री मार दिया इसने। ये पेड़ पेड़ के तो यार अगर आपको लास्ट में एक क्लच अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।